बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ क्या खाए क्या ना खाए, डाइट फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। डिलीवरी के बाद चाहे ऑपरेशन हुआ है चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक हफ्ते के बाद जच्चा पंजीरी खाना शुरू कर दे, सांदा पंजीरी जिसमें कि काली मिर्च, सूंठ, अजवाइन, काली मिर्च ये सब चीज़ें होती हैं, जो कि एक औषधि है, ये कोई स्वाद की चीज़ नहीं है, ये कोई ताकत की चीज़ नहीं है, ये जच्चा बच्चा को निरोगी रखेगी। दूसरा, हरी सब्जी, दूध दलिया, खिचड़ी, दाल रोटी, ऐसा खाना खाए जच्चा। लेकिन एसिडिटी वाली चीज़ें जच्चा ना खाए, चाय, पराठा, अचार, तली चीज़ ना खाए। फिर भारी चीज़ें तभी खाए जब जच्चा बच्चा में, जच्चे में रनिंग करने की शक्ति आ जाए। जब तक रनिंग करने की शक्ति नहीं है तब तक उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर भारी भोजन ना ले, नहीं तो गैस बनेगी और बच्चा अंगड़ाइयाँ लेगा, जोर लगाएगा, परेशान होगा। फिर ठंडी चीज़ें जच्चा ना खाए ज़्यादा, चावल, केला, दही, जूस, अगर ये ज़्यादा लेती है जच्चा तो 15 साल के बाद कमर में दर्द होता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। तो जच्चा को केवल गर्म तासीर की चीज़ लेनी चाहिए। उसके अलावा बासी भोजन ना खाए, बाजार की बनी चीज़ ना खाए, केवल ताज़ा खाना ही खाए और हमेशा निरोगी रहे, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों को दवाई की